लेकिन 30 साल जब 20 कंडीशंस, जब तक वो 20 कंडीशंस पूरी ना हो उस पर तक के जो उनके हाथ काटते हो तुम्हें वो कंडीशंस जो है जब तक सब ना पूरी हो। पहली बात ये है कि भूख से मजबूर होकर चोरी हो, अगर भूख से मजबूर होकर चोरी की है तो फिर हाथ काटने की पूरा नहीं होगी। बाल बच्चे उसके भूखे ना हो उनकी वजह से उसने चोरी, उसको भूख में सामने का हेल न था उसके बाद उसने चोरी। इसी तरह जब तक 20 शर्तें पूरी ना हो, हां हुकूमत की तरफ से पूरा इंतजाम था कि हर एक तक गिजा पहुंचे, हर एक तक पहुंचे, हर एक तक रोजी पहुंचे, लेकिन अगर हुकूमत की कोताही की वजह से वो गुड़बत में मुबतला हुआ तो अब सजा उस चोर को नहीं मिलेगी, हुकूमत को मिलेगी। इसका मतलब है कि चोर वो है कि तब तक हुकूमत में बैठे जिसकी वजह से चोरी पर मजबूर हुआ। और उसके बाद वो पहुंच गया है कि ये आए थे बात, अब हमें मोमिन उसे पूरी शर्त बयान कर दी कि इस प्रकार तो नहीं हो रही, इस प्रकार तो नहीं की गई, इस प्रकार तो नहीं की गई, इस प्रकार तो नहीं, सारी 30 शर्तें जब पूरी हुई तब मौलाना ने फरमाया कि ना कर उंगलियां काट के काम करो, तो उसकी उंगलियां सुनिए तारीफ करवा गया। अब वो कूफे के चौराहे पर खड़ा हुआ है, एक उंगलियां उसकी एक हाथ में मौजूद है, एक हाथ में कूफ का लड़का, तब उस सूरत क्या होना चाहिए जिसने हाथ काटने का हुक्म दिया है उसकी बुराई होना चाहिए, उसकी मरम्मत होना चाहिए। लेकिन वहां कूफे के चौराहे पर वाली के कसीदे को कि मुझे उसने सजा दी है लाए तकदीर का वारिस, मुझे उसने सजा दी है जो अमीरुल मोमिनीन, जो कायदुल मोमिनीन मुकद्दरीन है, जो यासुबुद्दीन है, जो ज़ौले बदून है, जो सैफुल्लाह मसदूर है, 70 फजाइल वही पर मौला के बयान। एक मुनाफिक उधर से गुजर रहा था, उसका नाम तारीख में इब्ने कौआ, मुखालिफीन में ऐसे नाम बहुत मिले जहां कोई इब्ने हजर है तो कोई इब्ने कसीर, लेकिन सलाम है तो अब वो पहुंचा दिया ठीक है, तुम्हारा हाथ काटा लिया तो तारीफ कर रहा तुम कसीदे पढ़ रहे, तो उसके जो जवाब और तारीफ उन्होंने तो उसने कहा कि जिस चीज के मैं लाया था वो काम अली ने अंजाम दिया और जिस चीज के अली लाया है वो काम मैं अंजाम दिया, सजा के लायक था उन्हें सजा दी, वो मना के लायक तो उनकी मना करा, वो कसीदे पढ़ा है मौला अली को खबर नहीं, इमाम हसन को भेज रहा जाओ जाकर बुलाना, वो आता है सब आप जलाल की वो लोग इन सजाओं की वो लोग मुखालिफत करते हैं जो इस
सात दिन को मौलवा केदार का परिक्रमा चल रहा है और सबको यकीन है कि उसको फांसी की सजा होगी। सबसे फांसी या उम्र कैद, उम्र कैद हो जाएगी या फांसी की सजा होगी। और साहब वकील साहब ने इतना अच्छा मुकदमा लगा कि वो उम्र कैद जो है वो चार साल में बदली, सबको यकीन था कि उम्र कैद से कम तो मिलना ही नहीं, फांसी नहीं हुई तो उम्र कैद। और महात्मा गांधी ने अपने इस तरह से जज को बावर करा दिया क्या उसने चार साल की सजा कर दी। अब सब लोग वकील साहब को मुबारकबाद दे रहे हैं, जो ऐसा है वो भी मुबारकबाद दे रहे हैं और वो भी बड़ा खुश है कि उसको चार साल काटना। सवाल जो हो रहा है कि जिंदगी के चार साल वो जेल में गुजार देगा, इस पर खुश क्यों हो रहा है? जितने ऐसा है वो सब भी आपस में गले मिल रहे हैं। वकील साहब को मुबारकबाद दी जा रही, वो चार साल जिंदगी के अपने कीमती वो जेल में गुजार रहा सब खुश हो रहे हैं। काहे के लिए गुजर? अरे कोई पूछेगा भाई ये चार साल जेल में रहेगा इसमें खुशी की क्या बात है? तो वो लोग जवाब में यही कहेंगे कि चार साल न देखो, ये देखो कि पूरी जिंदगी के तेज चल रही है, पूरी जिंदगी के तेज से बन गया, ये देखो चार साल तो गुजर जाएंगे। अगर फांसी हो जाती तो क्या होता? अगर वो कैद हो जाते सारी जिंदगी जेल में सोता रहता और जो चार साल ही की सजा मिली है गुजर जाएंगे। तो बस यू ही समझ लीजिए, इसीलिए दुनिया की सजाएं हैं कि यहां मुजरिम अगर सजा भुगत ले इस्लामी अदालत से तो हमेशा की वहां की सजा से बच जाएगा। डॉक्टर ने किसी साहब का हाथ काट दिया और सब लोग कहने लगे बड़े माहिर डॉक्टर, बड़े माहिर फन डॉक्टर, कितनी महारत से उन्होंने ऑपरेशन किया। अब साहब ने हाथ काट दिया, हम उनकी महारत की तारीफ कर रहे, वो बेचारा अपने गलतों से महरूम हो गया और आप कह रहे बड़े माहिर फन डॉक्टर ने, तो आप क्या कहना उनका जवाब ही नहीं होता। वो हाथ काट रहे हैं उनकी तारीफ कर रहे, तो हरे कह के ये तो देखो कि अगर वो हाथ न कटता तो पूरा शहर जिस पर फैल जाता, लिहाजा उन्होंने हाथ तो काटा मगर पूरे जिस्म को बचा लिया। बस यही इस्लामी सजाओं का फलसफा है कि अगर एक को सजा मिल जाए तो पूरे माशरे में जो शहर फैलने वाला